हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंगिंग लाइफ। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ स्प्राउट की रेसिपी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कि कितने लंबे स्प्राउट बने हैं, तो घर पर हम कितने इजी वे से स्प्राउट कैसे बना सकते हैं, और साथ ही मैं लेकर आई हूँ स्प्राउट की एक चटपटी चाट की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो स्प्राउट बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी मूंग की दाल, आधी कटोरी मैंने ली है मटकी दाल। इसमें डालेंगे पानी और इसको मैं भीगने के लिए छोड़ दूंगी। 6 से 7 घंटे के बाद हमारी दालें पूरी भीग चुकी हैं, तो इसका पानी हम निकाल देंगे और इसको हम इसी छलनी में इसी तरह से रहने देंगे। इसको हमें किसी भी कपड़े या हॉट केस में नहीं डालना है। इसको ढक्कन लगा कर रख देंगे। देखिए अभी कोई स्प्राउट नहीं है इसमें। 2 घंटे बाद चेक करेंगे। 2 घंटे बाद हम देखते हैं कि थोड़े स्प्राउट्स में निकल चुके हैं, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये प्रोसेस हम 2 बार करेंगे, और फ्रेंड्स ये इसलिए करते हैं ताकि हमारे स्प्राउट को पानी मिलता रहे, हमारे जो दालें हैं वो स्टिकी ना बने और स्प्राउट ज़्यादा लंबे हों। फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं, और ये देखिए स्प्राउट हमारे थोड़े लंबे हो चुके हैं। फिर से हम इसमें पानी डालेंगे और इसको ढक्कन लगा के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप इस तरह से स्प्राउट बनाओगे ना, तो आपके स्प्राउट बहुत ही अच्छे बनेंगे। 6 से 7 घंटे के बाद रिजल्ट हमारे सामने है। ये देखिए स्प्राउट बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही लंबे स्प्राउट बने हैं, और ये स्प्राउट बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बने हैं। तो आइए चलिए बनाते हैं हम इसकी एक चाट। तो स्प्राउट की चाट बनाने के लिए मैंने कट किया है थोड़ा सा खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, हरा धनिया, उबले हुए कॉर्न, ऑनियन और थोड़े से उबले हुए आलू। तो सबसे पहले एक पैन में डालूंगी 1 चम्मच तेल, थोड़ा सा जीरा, और अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, और अब इसमें जाएंगे थोड़े से स्प्राउट। आप चाहें तो इन्हें कच्चा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इनका हल्का सा कच्चापन निकालने के लिए इसको पैन में इस तरह से पकाऊंगी। वो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाना, मुझे ज़्यादा इसको हम कुक नहीं करेंगे। 1 मिनट के बाद हम देखते हैं, तो हमारे स्प्राउट पक चुके हैं, तो अब हम इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे स्प्राउट ठंडे होते हैं, हम करते हैं आगे की प्रोसेस। तो मैंने लिए हैं ये टमाटर, और इस तरह से टमाटर को मैं कट करूंगी और इनके बीच का पल्प जो है वो इस तरह से निकाल लूंगी। सारे टमाटर को मैंने कट कर लिया है, और ऊपर का जो हिस्सा मैंने काटा था उसको भी मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूंगी। और अब इसमें मैं डालूंगी ये स्प्राउट। और अब इसमें जाएगी ये वेजिटेबल्स, तो थोड़े से जाएंगे इसमें कॉर्न, थोड़ा सा ऑनियन, थोड़े से कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा इसमें जाएगा खीरा, थोड़े से जाएंगे उबले हुए आलू, ये डालूंगी हरी मिर्च। जो भी आपके पास वेजिटेबल अवेलेबल हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, थोड़ा सा डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें जाएगा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। जो भी मसाले आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा दही, थोड़ा सा डालूंगी मैं टमाटर सॉस, आप चाहें तो इमली की चटनी भी डाल सकते हैं। अच्छे से इन सबको इसमें मिक्स करेंगे, और अब मैं इसमें डालूंगी मेरा सबसे फेवरेट करी पत्ता। इसको मैं हाथों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी, और ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। अब ये जो मैंने टमाटर कट किए हैं, इसमें ये स्प्राउट की चाट को मैं फिल कर दूंगी। और ऊपर से मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दही, थोड़ा सा जाएगा इस पर टमाटो केचप, गार्निशिंग के लिए इस पर डालेंगे थोड़े से हरे धनिया,
और थोड़ी सी बारीक सेव। तो लीजिए, तैयार है हमारे स्प्राउट की ये चटपटी सी इंस्टेंट वाली चाट। तो कैसे लगी आप सबको मेरी आज की ये स्प्राउट की रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।